नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। एमपी की खबरों से बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक झटका महसूस किया है और वो झटका लगा है टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर। एक बड़ी बयानबाजी हो गई है इसमें। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल ने कहा कि उन्हें मंत्री टीएस सिंहदेव का पंचायत विभाग से इस्तीफा नहीं मिला। रविवार को बघेल ने कहा कि मुझे टीएस सिंहदेव का इस्तीफा नहीं मिला, इसकी जानकारी मुझे मीडिया से मिली। हमारे बीच में पूरी तरह से समन्वय है और जो भी मुद्दा है उस पर एक साथ बैठकर चर्चा की जा सकती है। बघेल ने आगे कहा कि हमें जब भी इस्तीफा मिलेगा तब उस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बीती रात मंत्री टीएस सिंहदेव को फोन करने की कोशिश भी की थी लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शनिवार को खबर आई थी कि मंत्री सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि बीते दिनों बड़ी संख्या में सहायक परियोजना अधिकारियों एपीओ पर कार्रवाई की गई थी जिसके बाद से पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज थे। हालांकि टीएस सिंहदेव अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को रायपुर के बूढ़ापारा स्टेडियम में जैन संत श्री ललित प्रभ सागर जी का प्रवचन सुनने पहुंचे। संत की दिव्य सत्संग प्रवचन माला जीने की कला में उन्होंने प्रवचन सुना और संत का दर्शन कर उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हैप्पी थॉट्स कैलेंडर का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र संत श्री ललित प्रभ सागर जी ने अपने प्रवचन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। हम सभी उनके अनेक प्रवचन पुस्तकों कैसेट और अन्य माध्यम से सुनते रहते हैं लेकिन आज पहली बार प्रत्यक्ष रूप से उनका सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश से अगली खबर है। मध्य प्रदेश में आज 44 जिलों के 133 नगरीय निकाय जिनमें 11 नगर निगम 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में मतगणना जारी है जिसे लेकर 3 नगर निगम पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने बुरहानपुर खंडवा और सतना में जीत दर्ज की है जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सभी विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। सीएम शिवराज ने लिखा कि बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी को विजय का आशीर्वाद देकर भाई बहनों ने जो विश्वास जताया है उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम आपका ये विश्वास खंडित नहीं होने देंगे। महापौर प्रत्याशी बहन श्रीमती माधुरी पटेल जी और साथी कार्यकर्ताओं को इस शानदार जीत के लिए बधाई। इसी के साथ उन्होंने अपने ट्विटर पर हैशटैग हरनगर भाजपा भी लगाया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे 4 पन्नों में उन्होंने पंचायत विभाग छोड़ने के लिए कारण गिनाए हैं। उन्होंने लिखा कि बाकी जो विभाग आपने मुझे दिया है वो यथावत रहेगा। सूत्रों के मुताबिक टीएस सिंहदेव इस बात से नाराज थे कि उनके आदेश का पालन विभाग में नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव की ये नाराजगी तब सामने आई है जब पंचायत के अफसर उनकी सुन नहीं रहे थे और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए राशि भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी जिससे विकास कार्य अवरुद्ध थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की 11 नगर निगमों की मतगणना हो चुकी है। इस पर नजर रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विशेष व्यवस्था की है। मतगणना के दिन कमलनाथ भोपाल में बनाए गए विशेष चुनाव कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे प्रदेश पर नजर रख रहे थे। कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिली तो तुरंत हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे ऐसा कमलनाथ ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि मतगणना के दौरान किसी भी शहर में किसी भी गड़बड़ी की सूचना मिलने पर कमलनाथ अपनी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की लीगल टीम के साथ
विशेष हेलीकॉप्टर से तत्काल उस शहर में जाएंगे जहां पर गड़बड़ी पाई जाएगी। तो वहीं जांजगीर चांपा से खबर है जहां किसान हितैषी कहे जाने वाले सरकार संरक्षण में उद्योगपतियों के हौसले बुलंद हैं, जहां मारुति सुजुकी शोरूम के संचालक आशीष केडिया के कारनामों के चलते दर्जन भर किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। जी हां, पूरा मामला पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरी का है, जहां देवरी और लोहारसी के बीच सड़क मार्ग के किनारे आशीष केडिया द्वारा बरसों पुराने नाले को पाटकर मारुति शोरूम बनाया जा रहा है, जिससे कि खेतों से उस नाले में आने वाले पानी का निकासी न होने के कारण आज दर्जन भर से ज्यादा किसानों की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई, जिससे किसान भाई खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसान के हितों के लिए अनेकों दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी बड़े बड़े उद्योगपतियों से हाथ मिलाकर किसानों के ऊपर दबाव बनाते हुए शोरूम खोलने के लिए एनओसी देते हैं। जहां से पानी निकासी होता था वहां पर मारुति बिल्डिंग बना दिया, और जो जहां से और पानी निकलता था वहां पर शिवनारायण वाले सेठ ने मिट्टी पटक दिया, तो जितने भी 20-25 एकड़ में जो फसल लगा हुआ है वो तो पानी भरा हुआ है। 8-10 दिन हो गए, पूरा फसल नष्ट हो गया है कहना चाहिए, उसका मुआवजा दिया जाए। दादा बताएंगे कितने वर्षों से अतंजी नाला था, यहाँ से पानी निकासी? ये तो हम लोग जान नहीं रहे हैं, तब से है यहीं से पानी निकासी। हाँ, यहीं से निकलता है पानी। जब ये लोग ये कार्य निर्माण किया तो इसका विरोध क्या ग्रामीणों ने किया, किसानों ने? इसका कार्य किए तो हम लोग विरोध नहीं किए भाई, क्योंकि विरोध हो रही है। सरपंच किए होंगे, मेरे को मालूम नहीं करना चाहिए। बाकी इसमें से पानी निकलता था, ये पाट दिया, अगर ये पटाई नहीं हुआ रहता ना तो पानी निकल जाता, फसल बर्बाद नहीं होता। बटियागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा चौकी के गंज बरखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार हथियार से युवक के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे घटनास्थल पर मौत हो गई थी। जहां पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, वहीं बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि 27/5/2022 को गंज बरखेड़ा गांव में आरोपियों के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जहां आरोपी फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को फुटेरा बकायन तिराहे के पास से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया, जहां आरोपी को पुलिस के द्वारा बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोविड-19 की जांच के बाद आरोपी को पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, फुटेरा चौकी प्रभारी पूरन सिंह अहिरवार, ईएसआई संतोष तिवारी, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र पटेल, आरक्षक पवन तिवारी, आरक्षक अजय मिश्रा भी मौजूद रहे। 27/5/22 को वेखाबाई पति तीरथ सिंह लोधी ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके भतीजे दिवराज सिंह लोधी की कुल 8 व्यक्तियों ने हत्या कर दी है। उसी सिलसिले में 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे। एक आरोपी यशवंत सिंह लोधी को हमने गिरफ्तार किया है, इसको हम आज। रायगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बेटे ने अपनी ही मां को गला घोंट कर मार डाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए युवक ने आत्महत्या का मामला दर्ज करा दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गला घोंटने की बात सामने आई, जिसके बाद मामले का खुलासा हो पाया। पूरा मामला रायगढ़ जिले के घरगोड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि ग्राम कांटा झरिया में 55 साल की महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में जांच हुई। इसमें पाया गया कि मृतका के बेटे ने मात्र 3,000 रुपए लेने के लिए अपनी मां का गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। आरोपी रामलाल धनवार के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का मामला कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
तो वही अगली खबर देवास से है। देवास के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिगरिया गोगा के प्राचार्य राकेश चौधरी के निलंबन के विरोध में स्कूल के कई विद्यार्थी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी कर प्राचार्य के निलंबन को वापस लेने की मांग की। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, लेकिन वो कलेक्टर से मिलने की मांग को लेकर अड़े रहे। कई अधिकारियों की समझाइश के बाद भी छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर प्राचार्य को वापस बहाल करने की मांग की। छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कलेक्टर से मिलने की मांग की। कई अधिकारियों की समझाइश के बाद भी छात्र छात्राएं नहीं माने। इस दौरान जब कलेक्टर अपनी कार में बैठकर निकले तो स्कूली छात्र छात्राओं ने लाइन बनाकर उन्हें रोक लिया और अपनी बात रखी। दरअसल आयुक्त उज्जैन संभाग संदीप यादव ने देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के प्रतिवेदन पर प्रभारी प्राचार्य राकेश चौधरी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के विपरीत व्यवहार करने और अनुशासनहीनता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। राकेश चौधरी को विकास खंड स्रोत समन्वयक जनपद पंचायत शिक्षा केंद्र देवास और जिला पंचायत की एमडीएम क्वालिटी मॉनिटर से अभद्रता कर धमकी देना और बिना अनुमति के अवैधानिक रूप से शासकीय चर्चा का वीडियो बनाकर ग्रुप पर वायरल करना जैसी अनुशासनहीनता के कारण निलंबित किया गया था। हमारे प्रिंसिपल सर को ये सम्मेलन में निलंबित किया गया, और अगर हमारे सर गलत है तो फिर वो नवदुर्गा समूह अगर सिलेक्ट किया है, नवदुर्गा समूह को सिलेक्ट किया है तो उसका आवेदन चाहिए, हमें आवेदन दो ना। मध्यान्ह भोजन किया गया है, अभी डिटेल जांच की जा रही है। अगर उनकी जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगर उनकी गलती नहीं पाई जाती है तो निलंबन दिया जाए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। अज्ञानता और आर्थिक तंगी ने एक परिवार को बुजुर्ग महिला के शव को खाट के सहारे पैदल गांव तक ले जाने को मजबूर कर दिया। खाट में शव लेकर जब 25 किलोमीटर के रास्ते में करीब 10 किलोमीटर पैदल चले तो पुलिस ने मदद की, फिर वाहन की व्यवस्था कर शव को गाँव भेजा गया। दरअसल ये मामला जिले कुआकोंडा ब्लॉक का है। टिकनपाल गांव की रहने वाली महिला जोगी पोडियाम की किसी बीमारी की वजह से रेंगानार में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने रेंगानार से शव को ले जाने के लिए खाट का सहारा लिया। खाट को उल्टा कर उसमें रस्सी बांधी, फिर कंधे से उठाकर टिकनपाल गांव के लिए निकल पड़े। मध्य प्रदेश में मॉनसून की मेहरबानी जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने रविवार को मध्य प्रदेश के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विदिशा, नरसिंहपुर, सियोनी, नर्मदापुरम में झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा 25 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ साथ वज्रपात होने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार श्योपुर कला, ग्वालियर, श्योपुरी, राजगढ़, भोपाल, दमोह, मोरना, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सीधी, अनूपपुर, कटनी आदि जगहों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्की बारिश के साथ वज्रपात होगा, साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं भी चलेंगी। तो अब कुछ खबरें उत्तराखंड से हैं। आपको बता दें कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार रवि किशन का 53वां जन्मदिन है। वो एक सफल अभिनेता के साथ साथ सफल नेता भी रहे। रवि किशन हमेशा से ही अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहे। रवि किशन और बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा की लव स्टोरी की चर्चा हर तरफ थी, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रवि किशन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और लिखा कि प्रसिद्ध अभिनेता और गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद रवि किशन को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं बाबा केदार और
मां पूर्णागिरी से प्रार्थना करता हूं कि आप जनसेवा के माध्यम से सामाजिक जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की से खबर है जहां बीते दो दिन पहले हुई घटना में मजदूर दब गए। दरअसल बीते दो दिन पहले रुड़की मछली मार्केट के पास एक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी, जिसको लेकर मजदूर कार्य कर रहे थे। अचानक से एक दीवार गिरने से एक मजदूर बुरी तरह से मलबे में दब चुका था। मौके पर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे। वहीं युवाओं ने हौसला दिखाते हुए मलबे में दबे हुए उस मजदूर को बाहर निकालने में अहम रोल अदा किया, जिसको लेकर आज वार्ड नंबर 35 के पार्षद प्रतिनिधि मुस्तकीम काला द्वारा उन नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए सम्मानित किया गया। जिस टाइम ये बिल्डिंग ध्वस्त हुई उसमें दो मजदूर दबे, वहाँ पे किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वहाँ तक जाके देख ले कि कितना दबा हुआ है, कितना रह गया है। इन बच्चों ने अपनी जान की नापरवाह करते हुए उस मजदूर की जान बचाई। और यह माहौल था कि 1000 आदमी खड़ा था यहाँ, अगर एक मुट्ठी भी मट्टी ठाता ना तो वो मजदूर कभी का निकल जाता, लेकिन किसी की हिम्मत ऐसी नहीं थी। मौत के मुंह में जाके इन बच्चों ने उसकी जान बचाई, क्योंकि मैं मौजूद रहा, मैं खुद डरा हुआ था कहीं कहीं ध्वस्त ना हो जाए या दीवार ना गिर जाए, ऐसा माहौल था। MLA साहब वहाँ खड़े रहे, बहुत बुरी हालत में हुआ था। क्या नाम बिल्कुल। हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी के रिश्तेदार सहित दो लोगों को मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए दो मोबाइल बरामद भी किए। पुलिस के हत्थे चढ़े ये शातिर चोर पहले भी सिडकुल थाना पुलिस द्वारा चोरी के मामले में ही जेल भेजे जा चुके हैं। सिडकुल पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो 3 दिन पहले ही जेल से सजा काट कर बाहर आए थे। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल का सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे टेस्ट पिछले 15 दिनों से ठप पड़ा है। इस कारण मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जानकारी है कि सिटी स्कैन के एनुअल मेंटेनेंस का भुगतान नहीं होने के कारण एजेंसी मशीन को ठीक नहीं करा पा रही। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन जल्द व्यवस्था को ठीक करने का दावा कर रहा है। नैनीताल जिले के लोगों के लिए सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे की सुविधा केवल हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। बेस हॉस्पिटल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से सिटी स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन पहाड़ और दूर दराज से आने वाले मरीज निजी अस्पताल में टेस्ट कराने को मजबूर हैं। बेस अस्पताल की प्रधान चिकित्सिका डॉक्टर सविता ह्यांकी ने बताया कि डिजिटल एक्सरे मशीन ठीक करने के लिए एजेंसी को पत्र के साथ साथ फोन से भी अवगत कराया गया है। तकनीकी दिक्कत के चलते पार्ट बाहर से आने हैं, जिसके कारण एक्सरे मशीन की मरम्मत नहीं हो पा रही है। 8-10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हम लोगों ने संपर्क किया इंजीनियर को, लेकिन उनका कुछ सामान बाहर से मंगा रखा उन्होंने। आज ही हमने फिर दूरभाष से भी बात करी थी, तो जैसे आ जाएगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सीटी स्कैन भी खराब रखी। सीटी में भी अभी हमने इंजीनियर को इन्फॉर्म किया आज, तो अभी कल परसों ही खराब हुआ था। वर्तमान में तो सीटी में तो खैर अभी फिलहाल एकदम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सरे है हमारा जनरल जो नॉर्मल वाला एक्सरे होता है वो हो रहा है। अगर कोई डिजिटल स्पेशली करवाना चाहता है तब तो हम भेज सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई आया नहीं हमारे पास ये कहने के लिए। वहीं
वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी ने श्रीनगर स्थित निर्माणाधीन रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को बस अड्डे के निर्माण कार्य की प्रगति तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को अधिक से अधिक मजदूर तैनात करने और संसाधन बढ़ाते हुए कार्य की प्रगति बढ़ाने को निर्देशित किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी श्रीनगर को भी निर्देशित किया कि बस अड्डे के निर्माण में जद में आने वाली दुकानों को भी हटाया जाए। श्रीनगर स्थित रोडवेज बस अड्डे में भूतल पर 62 टैक्सी और बस स्टैंड के छत पर 11 बसों की क्षमता की पार्किंग बनाई जा रही है। वर्तमान में कार्य का प्रगति ठीक दिखाई दे रहा है। ऊपर 11 जो बड़े वाहन होंगे उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था किया जा रहा है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 60-62 गाड़ियों का छोटी कार का व्यवस्था किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कार्य का प्रगति जो है दिसंबर माह तक पूर्ण की जाएगी और मार्च से कार्य इसकी प्रारंभ हो। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बीएसपी की टीए बिल्डिंग का घेराव कर तोड़फोड़ की। बीएसपी पर हनुमान और शिव मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहां रखे गमले और दरवाजे के कांच तक तोड़ डाले। इस दौरान उन्होंने बीएसपी के अधिकारी से छीना झपटी भी की। हंगामे के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए नई कवायद शुरू की गई। क्षेत्र की स्थानीय भाषा नहीं जानने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। विभाग शिक्षकों को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहता है ताकि वे बच्चों को बोली भाषा में पढ़ा सके। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोर ग्रुप का गठन किया जाए। तो वहीं अगली खबर कोरोना से बढ़े मामलों की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे में 410 लोग संक्रमित पाए गए तो वहीं कोविड-19 की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 11,57,700 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 16 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं 230 लोगों ने घरों में पृथकवास की अवधि पूरी की है। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर में संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दुर्ग में 81, राजनांदगांव में 30, बिलासपुर में 26, कोरबा में 15 नए मामले सामने आए हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।